हाय व्यूअर्स, मैं हूं मुजम्मिल हसन और आप देख रहे हैं फोकस ऑफ यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 17 और जावास्क्रिप्ट का पार्ट नंबर 6। व्यूअर्स, अब तक हमने ऑपरेटर्स की मल्टीपल टाइप्स देख ली और आज हम ऑपरेटर को ही कंटिन्यू करेंगे। ऑपरेटर्स में जो नेक्स्ट हमारी टाइप बनती है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे कि मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ कि असाइनमेंट ऑपरेटर में हम वैल्यूज़ को असाइन करते हैं। किसी भी वेरिएबल में किसी भी वैल्यू को असाइन करने का नाम असाइनमेंट है। बट असाइनमेंट के कई तरीकेकार हो सकते हैं। नंबर वन, सिंपल असाइनमेंट। सिंपल असाइनमेंट ये है कि अगर लेट्स से अगर आप ए में कोई वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं किसी वेरिएबल में, तो वेरिएबल ए है उसमें कोई वैल्यू 2 या 3 या 4 या कोई भी आप स्ट्रिंग या कोई भी इंटीजर वैल्यू असाइन करवाना चाह रहे हैं, तो आपको जस्ट इक्वल का साइन यूज़ करना पड़ेगा। छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक वेरिएबल ए है और इसमें मैं 5 असाइन करना चाह रहा हूँ। तो व्यूअर्स, 5 को ए में स्टोर करने का तरीकाकार यह है कि आप ए इक्वल्स टू 5 करेंगे। इक्वल्स का जो साइन है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसी तरह अब हम अगर देखना चाहते हैं कि इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई है, तो ए को हम प्रिंट करवा के देख लेंगे। तो इसके बाद मैं इसको रन करके देख लेता हूँ कि क्या आउटपुट आ रही है। जी, आपने देखा कि 5 ए में वैल्यू है 5। तो दिस इज़ अ सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, इसलिए इसको सिंपल असाइनमेंट भी कहते हैं और इसको इक्वल के साइन से, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है ऐड एंड असाइनमेंट। बेसिकली ये डबल असाइनमेंट है, डबल एग्जीक्यूशन। नंबर वन पहले वो ऐड करेगा, नंबर टू असाइन करेगा। दूसरे लफ्जों में, इट एड्स द राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट्स टू द लेफ्ट ऑपरेंड। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई वेरिएबल लिखते हो, जैसे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ बी, और बी की वैल्यू मैं डाल देता हूँ 3। अब फॉर एग्जांपल, लाइन नंबर 4 और 5 में मैंने दो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज़ किए, तो हमारे पास आउटपुट आ जाती है, अगर हम सी की आउटपुट देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि 12 है। तो दोबारा बता दूं कि अब तक हमने दो असाइनमेंट ऑपरेटर सीख लिए। नंबर वन सिंपल असाइनमेंट और नंबर टू ऐड असाइनमेंट, ऐड एंड असाइनमेंट। इसमें हमने क्या किया कि प्लस इक्वल का साइन सिंबल यूज़ किया। देन हम सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट यूज़ करेंगे। सब्ट्रैक्ट असाइनमेंट क्या है? वेरी सिंपल, कि फॉर एग्जाम्पल आप अभी सी माइनस इक्वल्स टू ए करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा? C माइनस इक्वल टू ए का मतलब ये है कि C में वो वाली वैल्यू साइन करो जो C माइनस ए के ज़रिए से हासिल होगी। अब C माइनस ए क्या है? 9 माइनस 5। C की वैल्यू 9 और ए की वैल्यू 5। 9 माइनस 5 करेंगे तो 4, और C में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि C की वैल्यू क्या है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि उस वक्त C की वैल्यू चेंज हो चुकी थी। तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू 4 है। जो नेक्स्ट हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, दैट इज़ द सब्ट्रैक्ट एंड दैट इज़ द मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट। मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट जो है वो इस तरह से है कि सी मल्टीप्लाइड एंड इक्वल टू ए, और इसका ये मतलब है कि अगर हम C में C इंटू ए कर दें, C इंटू ए कर दें, तो C और A मल्टीप्लाई होके 45 C में स्टोर हो जाएगा। इस वक्त C की वैल्यू 45 हो जाएगी। तो इसको मैं रन करके देखते हैं, आप देख सकते हैं कि C की वैल्यू 45 हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास डिवाइड एंड असाइनमेंट है। इसी तरह आप अगर फॉर एग्जांपल डिवाइड करना चाहें, साथ ही तौर पर हम C की वैल्यू 10 ले लेते हैं और C को हम इस वक्त कुछ यूँ लिख रहे हैं, C डिवाइड एंड इक्वल टू A, देन 5 इसका जवाब आएगा। इसको रन करके देख लेते हैं, सॉरी 10 जवाब आएगा, 10 डिवाइड बाई 5 जो कि 2 है, 2 जवाब होगा इसका। देन हमारे पास मॉडुलस असाइनमेंट है। मॉडुलस असाइनमेंट का मतलब है कि
सी में वो वैल्यू साइन करो कि अगर ए को हम सी पे डिवाइड करें, सी को ए से डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आएगा वो वैल्यू सी में असाइन कर दें। तो फॉर एग्जांपल इसको चला के देख लेते हैं कि सी मॉडुलस इक्वल्स टू ए। तो नाज़रीन अगर हम सी को ए से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? ज़ीरो। तो इस वक्त सी की वैल्यू चेक कर लेते हैं कि ज़ीरो आती है कि नहीं आती, तो आपने देखा कि रिमाइंडर ज़ीरो है। तो यूँ हमने डिफरेंट टाइप्स के असाइनमेंट ऑपरेटर सीख लिए। दोबारा रिपीट करता चलूँ कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में का मतलब ये होता है कि आप एक वेरिएबल में कोई भी दूसरी वैल्यू असाइन कर सकें। ये एक सिंपल असाइनमेंट भी हो सकती है, ऐड एंड असाइनमेंट भी हो सकती है, डबल ऑपरेशन के साथ सबट्रैक्ट असाइनमेंट हो सकती है, सिमिलरली मल्टीप्लाइड असाइनमेंट हो सकती है, डिवाइड एंड असाइनमेंट हो सकती है, और मॉडुलस एंड असाइनमेंट हो सकती है। इनकी एग्जाम्पल्स आपने स्क्रीन पर मुलाहजा की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कुछ और भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स की टाइप्स होती हैं, जैसे कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर्स बेसिकली शॉर्ट या एब्रीविएट फॉर्म ऑफ द कंडीशन इफ एंड एल्स कंडीशंस होती हैं। इसको समझने का तरीकाकार बहुत ही सिंपल सा है, यानी इसका ऑपरेटर क्या है? इसका ऑपरेटर है क्वेश्चन मार्क कॉलन। क्वेश्चन मार्क कॉलन, क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि अगर तो आपने क्वेश्चन मार्क से कोई पहले वैल्यू लिखी भी है, अगर वो ट्रू है तो आप कोई आउटपुट जनरेट कर दें, यानी इफ़ कंडीशन अगर ट्रू होगी तो क्वेश्चन मार्क के बाद वैल्यू आप लिख लेंगे यहाँ पर इस कॉलन से पहले, अदरवाइज अगर फॉल्स है तो कॉलन के बाद वो स्टेटमेंट आएगी। इसकी छोटी सी एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए और बी दो वेरिएबल हैं, चलें कि मिसाल ले लेते हैं। ए और बी दो वेरिएबल्स हमारे पास, ए में 5 पड़ा है और बी में 3 है। तो ए की अगर हम वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, और हम ये चेक करना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा बड़ा है। तो इफ़ एल्स लगाने के बजाय हम क्या कर लेते हैं कि सिंपली ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट हम कोई भी लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख लेते हैं कि अगर ए बी से बड़ा है और इसकी फॉर एग्जांपल ए इज़ 5 एंड बी इज़ 3, तो इट्स मीन कि ए बी से बड़ा होगा, और ए बी से अगर बड़ा हुआ तो उसको हम कंडीशनली हम ए प्रिंट करवा देंगे, अदरवाइज बी प्रिंट करवा देंगे, यानी ये स्टेटमेंट आएगी हमारे पास। यानी हम एक वेरिएबल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल रिजल्ट, और रिजल्ट में हम इफ कंडीशन में हमने एक कंडीशन लगा दी कि अगर ए बी से बड़ा है तो रिजल्ट में 100 स्टोर करवा दे, अदरवाइज 200 स्टोर करवा दे। तो व्यूवर्स इस वक्त बताएं कि रिज़ल्ट में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी? तो जी 100 स्टोर होगी। क्यों? क्योंकि ए वाकई बी से बड़ा है, यानी कंडीशन ट्रू हो जाती है। और मैंने बताया था कि कॉलन से पहले अगर कोई भी नंबर लिखते हैं तो वो ट्रू के केस में चलता है, और कॉलन के बाद अगर कोई नंबर आप लिखते हैं तो वो फॉल्स के केस में चलता है। तो इस वक्त वेरिएबल हमारे पास रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट में 100 स्टोर हो जाएगा। हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो आपने देखा कि 100 स्टोर हो गया। ये एज इट इज़ प्रिंट होगा, ठीक है, कि ए ग्रेटर देन बी 5। तो चलिए अगर हम इसको ट्रू वैल्यू कर लेते हैं कि 5 और 3 बड़ा कौन सा है, तो जी 5 बड़ा है। तो आपने देखा कि 5 बड़ा है, ठीक है। अगर ए बड़ा है बी से और इन दोनों में
बड़ा है तो 5 प्रिंट कर दे, छोटा है तो 3 प्रिंट करवा दे। तो आपने देखा कि 5 प्रिंट हो गया। तो ये था हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर में दोबारा बताता चलूँ कि बहुत इजी सा सिंटेक्स है। अगर आपने यानी आपने क्वेश्चन मार्क से पहले आपने कंडीशन बतानी है, और क्वेश्चन मार्क के बाद सेमी कॉलन के शुरू में और सेमी कॉलन के बाद में आपने स्टेटमेंट बतानी है। और स्टेटमेंट इस तरह से एग्जीक्यूट होती है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो कॉलन से पहले वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर आपकी कंडीशन एल्स में आ रही है तो फिर कॉलन के बाद वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, यानी रिजल्ट में 3 स्टोर होगा इन केस अगर ए बी से छोटा होता। इसको हम इस तरह भी करके देख सकते हैं कि अगर इस कंडीशन को चेक करें तो मुझे बताएं कि ये ट्रू कंडीशन है फॉल्स कंडीशन है। तो जी ये फॉल्स कंडीशन है, तो फॉल्स कंडीशन की सूरत में 3 प्रिंट होगा, तो अगर आप रिजल्ट में देखें तो 3 आ जाएगा। और एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, तो व्यूअर्स आपने देखा कि रिजल्ट में 3 वैल्यू आ गई। और ऑपरेटर का लास्ट टॉपिक है टाइप ऑफ ऑपरेटर। टाइप ऑफ ऑपरेटर बेसिकली एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसके थ्रू आप किसी भी वेरिएबल को की टाइप देख सकते हैं। यानी अगर आप उसकी टाइप देखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम टाइप ऑफ को प्रिंट करवाना चाहें, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल टाइप इज इक्वल टू टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ में मैं फॉर एग्जांपल ए ए प्रिंट करवा देता हूँ, और इसको टाइप को मैं प्रिंट करवाता हूँ इस तरह से। तो टाइप ऑफ ए का जवाब देख लेते हैं कि आउटपुट में क्या वैल्यू आई है। तो ये एक नंबर है, तो आप देख सकते हैं कि ए और बी दो वेरिएबल्स हैं, लेकिन इनमें चूंकि नंबर स्टोर है तो इसलिए टाइप ऑफ ए का मतलब है कि ए की क्या टाइप है। जी ए की टाइप है नंबर, उस टाइप को जैसे मैंने प्रिंट कराया तो जवाब में मिल गया नंबर। सिमिलरली अगर स्ट्रिंग है या बूलियन है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ सी विच इज़ ट्रू। अब टाइप ऑफ सी को अगर हम देखें तो इस वेरिएबल में क्या आएगा, बूलियन। तो व्यूवर्स ये बहुत ही आसान है कि अगर आपको किसी भी वेरिएबल का पता लगाना हो कि इसकी कौन सी टाइप है, तो आपने उसको टाइप ऑफ के कीवर्ड के ज़रिए से पहचान लेना है, और उसमें एज अ पैरामीटर कह लें या एज अ वेरिएबल उसको पास करना है, और वो आपको रिटर्न में उसकी टाइप बता देगा। तो व्यूवर्स अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। हमने देखा कि किस तरह से ऑपरेटर्स असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, और ऑपरेटर्स की कितनी टाइप्स होती हैं।